न्यूज इस वक्त आपके लिए ये बहुत ही बड़ी खबर है पंजाब असेंबली से। पंजाब की पार्लियामानी तारीख में एक गैर मामूली वाकया जिसमें तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीगाफ के उम्मीदवार थे चौधरी परवेज इलाही। मुस्लिम लीगाफ के पार्टी सरबरा चौधरी शुजात ने खत लिखा डेप्टी स्पीकर को, जिसमें बताया कि वो हिमायत नहीं करते हैं तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार की और उनकी जमात के अरकान के वोट शुमार नहीं किए जाएंगे और उन वोटों को मुस्तरद कर दिया गया है जिन वोटों की तादाद 10 थी, जिसके नतीजे में हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब मुंतखब हो गए हैं। डेप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने इसका ऐलान किया और मुस्लिम लीगाफ के रहनुमा राजा बिशारत को बोलने का मौका भी दिया, उनके एतराजात को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के अहकाम की रोशनी में उन्होंने ऐलान किया और जो वोटों की गिनती है उसके मुताबिक 3 वोट की बरतरी हासिल हो गई है हमजा शहबाज को पंजाब असेंबली में, जिसके नतीजे में वजीर आला पंजाब मुंतखब हो गए हैं हमजा शहबाज। ये रन ऑफ इलेक्शन भी हमजा शहबाज ने डेप्टी स्पीकर की रूलिंग के मुताबिक जीत लिया है और इसमें ड्रामाई मोड़ उस वक्त आया जब आज एक खत मौसूल हुआ डेप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मजारी को मुस्लिम लीग काफ, जो कि इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम से रजिस्टर्ड है, जिसको उर्फ़ियाम में मुस्लिम लीग काफ कहा जाता है, चूंकि इससे पहले वो मुस्लिम लीग कायदे आजम के तौर पर सियासी मंजरनामे पर सामने आई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम से रजिस्टर्ड है। इसीलिए उस खत में मुस्लिम लीग काफ के हर रुकन के आगे PML लिखा था, जो डेप्टी स्पीकर दोस्त मजारी पढ़ रहे थे और उनके 10 अराकीन के वोट डेप्टी स्पीकर ने मुस्लिम लीग काफ के सरबरा चौधरी शुजात के खत में मौजूद हिदायत और अहकाम की रोशनी में उनको मुस्तरद कर दिया है। उनके वोट मुस्तरद होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के इतिहाद के वोट कम हो गए और हमजा शहबाज जो के मुस्लिम लीग नून और इतिहादियों के उम्मीदवार थे उनके वोट ज्यादा हो गए, जिसके नतीजे में वो वजीर आला पंजाब मुंतखब हो गए हैं। डेप्टी स्पीकर दोस्त मदारी ने ऐलान किया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की रोशनी में वो पार्टी चीफ के लिखे गए खत को सामने रखते हुए ये फैसला कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग काफ के 10 अराकीन के वोट कास्ट नहीं किए जाएंगे, उनको शुमार नहीं किया जाएगा, जिसके नतीजे में हमजा शहबाज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वजीर आला पंजाब मुंतखब हो गए हैं। आज की ये ब्रेकिंग न्यूज़, पंजाब असेंबली में वजीर आला के इंतखाब के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 22 जुलाई को इजलास होना था, इजलास ताखिर से शुरू हुआ लेकिन पुरान तरीके से ये इजलास शुरू हुआ और अब कुछ देर पहले इख्तिताम पसीर भी हो गया है, चूंकि इस इजलास को डेप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की तरफ से मुलतवी कर दिया गया है। उन्होंने आखिरी जुमला कहा कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीगाफ के जो इतिहादी उम्मीदवार थे चौधरी परवेज इलाही, उनके हक में जो वोट थे उनमें से 10 वोट जो मुस्लिम लीग काफ के वोट थे उनको शुमार नहीं किया जाएगा, जिसके बाद हमजा शहबाज के वोट ज्यादा करार पाए और वो वजीर आला पंजाब मुंतखब हो गए हैं। डेप्टी स्पीकर ने यह कहा कि ये इजलास सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक खास इसी मकसद से तलब किया गया था कि इसमें वजीर आला के इंतखाब के लिए रन ऑफ इलेक्शन का इनका किया जाए, वो कार्रवाई मुकम्मल होती है और इसके साथ ही इस इजलास को मुलतवी किया जाता है। हमजा शहबाज पंजाब के वजीर आला